रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। एयरपोर्ट से वे चॉपर के जरिए दंतेवाड़ा के गीदम पहुंचे और चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये माँ दंतेश्वरी की धरती है, यही भगवान राम का ननिहाल है, मेरा छत्तीसगढ़ के साथ अटूट रिश्ता है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तब लोग कहते थे कि यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, फिर लोगों ने बहुमत दिया और बीजेपी की सरकार बनाई। 15 साल का जनता ने भाजपा को सपोर्ट किया, फिर जनता के दिल में परिवर्तन की बात आई और 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार बना दी। इन 5 सालों में कांग्रेस ने प्रदेश का क्या किया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जब जब कांग्रेस की सरकार आई है सिर्फ घोटाला ही घोटाला हुआ है। कांग्रेस सरकार आती है तो घोटालों की बाढ़ आ जाती है। छत्तीसगढ़ में तो गोबर गोठान का घोटाला हो गया है, भैंस के चारे का घोटाला हो गया है। गरीब देश माना जाता था, जो गरीब देश थे उनकी कतार में हमारा भारत खड़ा था। भारत पहले कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग बहुत ध्यान से दुनिया में नहीं सुनते, लेकिन आज भारत की हैसियत इतनी बढ़ गई है, भारत का कद इतना बड़ा हो गया है कि आज दुनिया के मंचों से भारत यदि बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बन गई है। और बहनों भाइयों, पहले कांग्रेस सरकार दुनिया के दूसरे देशों के पास अपनी शिकायतों को लेकर जाती थी कि हमको फला देश से यह शिकायत है, फला देश से यह शिकायत है, लेकिन मोदी जी ने भारत को एक ऐसा भारत बना दिया है कि आज यदि किसी दो देशों में संघर्ष होता है दुनिया में तो लोग बात करने के लिए आते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री आपके नेता मोदी जी से बात करने के लिए आते हैं कि समस्या का समाधान निकालिए, किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकालिए। और कांग्रेस की सरकार कहते हैं भ्रष्टाचार तो पूछिए मत, किस हद तक था बताने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में आपने देख ही लिया, यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, कितना भ्रष्टाचार हुआ है यह भी आपसे छिपा नहीं है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, इस आजाद भारत में जब जब कांग्रेस की सरकार रही है बराबर हर सरकार के ऊपर कोई न कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेकिन 10 वर्षों से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरे बहनों भाइयों, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारी सरकार के ऊपर एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा। और राजीव गांधी जी ने बड़ी ईमानदारी से एक बात स्वीकार किया था, वो थे कांग्रेस के लेकिन प्रधानमंत्री थे। वैसे मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है, उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। इसलिए आलोचना मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं राजीव गांधी ने मजबूरी जाहिर की थी, हम क्या करें, हम दिल्ली से 100 पैसा भेजते हैं, 100 पैसा में बामुश्किल 14 पैसा लोगों के पास पहुंच पाता है और 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता, यह मजबूरी जाहिर की थी। लेकिन इसको चुनौती के रूप में भारत में भी किसी ने स्वीकार किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया है। और उन्होंने जनधन, आधार, मोबाइल, इन तीनों को मिलाकर एक ऐसी त्रिमूर्ति बना दी बहनों भाइयों, आज यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, एक भी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। भ्रष्टाचार को भाषण देके समाप्त नहीं किया जा सकता, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं इस आजाद भारत में गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की सर्वाधिक चिंता यदि किसी ने की है तो हमारे मोदी जी की सरकार ने की है, इसके पहले किसी ने इतनी चिंता नहीं की है। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, आप लोगों को मालूम है आदिवासी की के प्रति कितनी संवेदना उनके दिल में थी, कैसा भाव उनके दिल में था। उन्होंने कहा कि भाई आदिवासी समाज के लिए एक अलग से मंत्रालय ही बना देना चाहिए, आजाद भारत में पहली बार आदिवासी समाज के लिए अलग से मंत्रालय बनाने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, वह भारतीय जनता पार्टी ने किया, दूसरे ने नहीं किया था। और हमारे
प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद पीएम जनमन आदिवासी जनमन योजना जी जो प्रारंभ की गई है, आदिवासी समाज में भी जो सबसे पिछड़े हुए उनकी चिंता करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। अब मुझे याद है पहले जो वनोपज थे, वनों में जो चीजें पैदा होती थी उनकी जैसी उचित कीमत मिलनी चाहिए, हमारे लोगों को नहीं मिल पाती, हमारे आदिवासी भाइयों को नहीं मिल पाती थी, दिन भर पसीना बहाते थे, लेकिन उस पसीने की जो उनको कीमत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती थी।